लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में गुर्जर समाज को बड़ी सौगात देते हुए सुभाष नगर स्थित देवनारायण सामुदायिक भवन में 7 नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण किया। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा सांसद कोष से स्वीकृत 10 लाख रुपए की राशि से बनने वाले विशाल सभा कक्ष का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बिरला ने समाज के भामाशाहों को माला साफा पहनाने के साथ श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समाज के पदाधिकारियों ने बिरला का सहयोग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। बिरला ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि कोटा बूंदी की जनता मेरा परिवार है और उनके बीच आकर मुझे अद्भुत ऊर्जा मिलती है। उन्होंने गुर्जर समाज के प्रयासों की तारीफ की और समाज के उत्थान के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि वह युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। वहीं इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लोगों से मिले। उन्होंने लोगों की पीड़ा सुनी, जहां कई लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर लोकसभा स्पीकर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कोटा के मलखम खिलाड़ियों का समूह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचा। मलखम के खिलाड़ियों ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ अपनी तस्वीर भी खिंचवाई और उन्हें आगामी टूर्नामेंट विजय का आशीर्वाद भी दिया। संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है और परिवार में जब भी आता हूँ मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने की और कोशिश होती है कि इस संसदीय क्षेत्र की जनता की भावनाओं को जानूं, उनके अभाव अभियोग को दूर करें, उनके साथ सुख दुख में भागीदार हूँ और किस तरीके से इलाके का विकास हो सकता है, चाहे गांव का हो शहर का हो, उस विकास की कार्ययोजनाओं को ठीक से एग्जीक्यूट करके आम जन को इसका लाभ मिले, इसके लिए जब भी आता हूँ समय समय पर इसकी चर्चा करता हूँ। शरीर रूप से स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा और दौड़ेगा, इसलिए हर गांव के अंदर, हर पंचायत में, हर गांव-गांव में फुटबॉल, हर पंचायत में फुटबॉल, फिर एक गाँव के अंदर कंपटीशन होगा, फिर पंचायत में होगा, फिर पंचायत समिति में होगा, फिर जिला स्तर पे होगा, फिर संसदीय क्षेत्र में होगा।